नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र कुशवाहा टीम ग्रामोफोन से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था प्याज की नर्सरी में आर्द्र गलन रोग की पहचान एवं नियंत्रण के उपाय के बारे में, आज हम जानेंगे प्याज की नर्सरी में पीलापन के कारण एवं उसके निदान के बारे में। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी जैसे जैसे बड़ी होती है उसमें पीलापन देखा जाता है और यह पीलापन कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी में जब पीलापन आता है तो यह रस चूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स, एफिड और बाकी कई सारे रस चूसक कीट इसकी पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पीलापन देखा जाता है। दूसरा कारण किसान भाइयों, इसमें फफूंदी जनित रोग आ जाते हैं जिसकी वजह से पीलापन देखा जाता है। और तीसरा कारण किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ये तीन कारण हैं जिससे प्याज की नर्सरी में पीलापन देखा जाता है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं प्याज की नर्सरी में पीलापन को रोकने के उपाय के बारे में। इसके लिए आपको ह्यूमिक एसिड यानी मैक्स रूट 10 ग्राम, कार्मानोवा कार्बिनाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, 30 ग्राम। साथ ही किसान भाइयों, इसमें आपके लिए थायोनोवा 25, थायोमेथॉक्साम 25% जो है वो आपको 10 ग्राम लेना है। इन तीनों दवाओं को 15 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करके और नर्सरी क्षेत्र में आपको छिड़काव कर देना है। इससे आपकी फसल में फफूंद जनित रोग, साथ ही रस चूसक कीट और पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी और आपको स्वस्थ पौध प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही किसान भाइयों, अगले वीडियो में हम जानेंगे मुख्य फसल के लिए खेत की तैयारी साथ ही उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।